Hello students, welcome to EduVentures Learning. Our today's question is related to the chapter Heredity and Evolution. उसमें से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि हेरिडिटी पार्ट से रिलेटेड है. सो द क्वेश्चन इज हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न डिटरमाइंड इन ह्यूमंस. ह्यूमन बीइंग्स में जो न्यू बेबी होने वाला होता है, न्यू प्रोगनी, न्यू इन्फैंट, जो भी आप बोलो, जो न्यू बेबी होने वाला है उसका सेक्स, उसका जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे पता चलता है. सो द आंसर इज सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसी वक्त उस बच्चे का, होने वाले बच्चे का क्या जेंडर होगा, क्या सेक्स होगा, इट विल बी अ बॉय और अ गर्ल, वो डिसाइड हो जाता है. अ ह्यूमन मेल हैज एक्स वाई क्रोमोसोम. जो मेल्स होते हैं, ह्यूमंस में जो मेल होते हैं उनके पास दो सेक्स क्रोमोसोम्स होती है, दैट इज एक्स एंड वाई, एंड प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, और दो तरह की स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, इधर विद एक्स क्रोमोसोम और विद द वाई क्रोमोसोम. जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें 50% एक्स क्रोमोसोम्स वाले होते हैं और 50% वाई क्रोमोसोम्स वाले होते हैं. अ ह्यूमन फीमेल हैज एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम. लेकिन ह्यूमन फीमेल जो होती हैं उनके पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स ही होते हैं, एंड प्रोड्यूसेस ओवा ऑफ वन टाइप, और इसमें से कोई एक टाइप का वो ओवा क्रिएट करती है, एग क्रिएट करती है. ओवा को हम लोग एग भी बोलते हैं, जिससे कि स्पर्म जाके फर्टिलाइज होता है या फिर फ्यूज करता है. इफ द स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विद ओवम, अगर मेल से आया हुआ एक्स क्रोमोसोम ओवम के साथ या ओवा के साथ या एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो एक्स और एक्स मिलके गर्ल बनाएंगे, और अगर वाई कंटेनिंग स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम जो था जिस स्पर्म के पास, वो अगर जाके ओवम के साथ फ्यूज करता है तो बॉय क्रिएट होगा. इंडिविजुअल जो बॉय होगा वो, मतलब इंडिविजुअल जो बेबी होगा वो बॉय होगा. दस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज जेनेटिकली डिटरमाइंड. तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जो न्यू बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो जेनेटिक से होता है, जीन से होता है. एक्स आएगा या वाई आएगा, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द फादर ऑफ द बेबी कि वो एक्स प्रोड्यूस कर, जो एक्स के साथ रिलीज करेंगे या फिर वाई के साथ रिलीज करेंगे. इट विल बी अ गर्ल और इट विल बी अ बॉय. थैंक यू.